को सजाने के लिए आप और हम क्या कुछ नहीं करते हैं। अपने आशियाने को सजाने का ये सिलसिला सालों तक जारी रहता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं स्टिक ट्रेवल के चेयरमैन सुभाष गोयल के घर, जिन्होंने पिछले 25 सालों में देश और विदेश से दुनिया भर की खूबसूरती को अपने घर में समेटा है। गुड होम्स में आपका स्वागत है। 1973 में अपने ट्रेवल और इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर अपना काम शुरू करने वाले शख्स ने अपनी खुद की कंपनी स्टिक ट्रेवल ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से शुरू की। हम बात कर रहे हैं मिस्टर सुभाष गोयल की। चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ मिस्टर सुभाष गोयल के घर और देखते हैं उन्होंने अपना घर किस तरीके से सजाया है। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? गुड होम्स में आपका स्वागत है। आप थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम, दिस इज आवर हम्बल होम। चलिए सर, कंपनी तो आपकी काफी बड़ी है, घर भी आपका काफी बड़ा लग रहा है। शुरुआत करते हैं, घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। 5-6 साल पहले ये घर लिया था, उस टाइम सस्ता जमाना था, और तोड़ के उसको दोबारा मेरी वाइफ ने बड़े शौक के साथ बनाया। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो वॉल पर ये काफी ग्लास के अलग अलग टुकड़े जैसे लगे हैं, गुजरात से आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने यहीं रह के इसको बनाया था। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं लिविंग एरिया की तरफ। ये केरला के जो टेंपल, एक खास टेंपल है, वहाँ से आर्टिस्ट बुलाए गए थे और उन्होंने 10 दिन रह के और पूजा करते थे पहले और फिर पेंटिंग करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से इसमें, आप देखिए हर भगवान और कितने चीज़ें इन्होंने ब्लेंड करी हैं। आपको अपनी फेवरेट जगह ले जाने से पहले मैं आपको अपना डाइनिंग रूम दिखाता हूँ। चलिए। ये जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पूरी वर्ल्ड में मैं 100 कंट्रीज से ऊपर ट्रैवल करा हूँ और यही कारण है कि मैं इस इंडस्ट्री में या ट्रैवल बिजनेस में आया हूँ। या देखिए, जापान से हैं कुछ, ऑस्ट्रेलिया से हैं कुछ, पोलैंड से हैं क्रिस्टल्स कुछ, ये नीदरलैंड से हैं, ह्यूस्टन से हैं, और ये पूरी वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट जगहों की कलेक्शंस हैं। इस तरीके से यानी कि पूरी की पूरी दुनिया आपने अपने घर में समेट रखी है। कोशिश तो यही करी है सर। तो आर्टिफैक्ट चुनते हुए कोई बजट का भी ध्यान रखते हैं या फिर डायरेक्टली मतलब कितने का भी हो? नहीं, ये नहीं कितने का तो हमारा बजट हमेशा, मैं बनिए का बेटा हूँ तो हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मिट्टी के भाव सोना खरीदा जाए। यहाँ पर जो कलेक्शन है ये पूरी वर्ल्ड की यूनिक है। इसमें तो बहुत सारी बॉटल्स हैं। इसमें आप ये देखिए कि ये पूरे वर्ल्ड, ये तो काफी दिलचस्प बात है, वाइन है। ये देखिए, ये पूरी सील्ड है बॉटल और इसमें गिंजिंग है, ये कोरियन है, कोरियन वाइन, सियोल कोरिया से। ये जब मैंने बॉटल ली थी, मुझे प्रेजेंट करी थी कोरियन एम्बेसडर ने, तो ये छोटा सा था, अब बड़ा हो गया। अब ये लिविंग है, इसके अंदर मतलब गिंजिंग की जड़ जो है वो ग्रो कर रही है और इसने सारा वाइन चूस लिया। काफी दिलचस्प बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे लगता है ये 200 से ऊपर बॉटल्स होंगी, छोटे छोटे मिनिएचर सजाए गए हैं यहाँ पर। ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कैरेबियन आइलैंड से है, तो ये वहाँ की वाइन है। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं, ये भी डिफरेंट पेंटिंग्स में भी वाइन की बॉटल्स हैं। नहीं, वो मतलब हाँ, बाय चांस बाय चांस भी दोनों ऐसी हैं। ये चाइना से है और ये मेरे ख्याल में ये इजिप्ट से है। आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, और स्पेशली ये वाइन की कलेक्शन। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए और व्यूअर्स को भी अपना घर दिखाया। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो थे मिस्टर सुभाष गोयल, जिनकी वाइन की कलेक्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई और मुझे लगता है आपको इनका घर भी बहुत पसंद आया होगा। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।